Look here, man. Thank you. Push. मुझे कुछ भी नहीं पता. मैं सच के लिए. भाई ready हो क्या? एक्चुअली एक जो अदाकारा और कलाकार होता है उसको कभी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है. वो ऑन द स्पॉट सब कुछ करता है. तो मेरे हिसाब से जहाँ जाओ वहाँ पर धूम मचा दो और कुछ सोच समझ के मत जाओ. तो हम लोग अदाकारा ये जैसे हम लोग कलाकार हैं तो हम लोगों को अंदर घुसते ही अपने उसमें शख्सियत में घुस जाना चाहिए कि भाई हमें ये सब करना है. तो कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है. अच्छा कामयाबी यहाँ पर है, कितना एंजॉय करने वाले हैं दोनों आप? कामयाब तो मेरी जा रहे हैं आज, मतलब मैं उनसे मिलने के लिए खास तौर पे मैं उनसे ही मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पर. और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि वो आज मुझसे मिल ली हैं. ओहो नहीं वाकई में ये जब से बिग बॉस से बाहर निकली ये बहुत बिजी है, इनके पास टाइम नहीं था. और आज क्योंकि मैं इस तरफ आई हूँ, मैं नायगांव में शूट करती हूँ, इस तरफ मेरा आना होता नहीं है, तो मैंने कहा ये मौका मैं हाथ से नहीं गवा सकती. जी नहीं, बिजी है, ये बिजी है, ये बिजी है, ये शूट पे रहती है. पर जो भी है, जब कहते हैं ना, जब शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहो तो वो हो ही जाती है. और आज मिल गई. हाँ आज मिल गई फाइनली मुझे ये. हाँ बातें हमने कई बार की है और आज पहली बार मिले हैं. हम आज पहली बार मिले हैं भाई, पहली बार फोन पे बहुत बात की है लेकिन आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हुए हैं. अच्छा आप दोनों एक बार शूट पे मिले थे? नहीं हम नहीं मिले. हाँ शूट पे मिले. शूट देखो देखो इनकी शूट पे. विकास की बहुत अच्छी दोस्त है तो विकास एक म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों के बीच में. बिल्कुल बिल्कुल विकास तो हम लोगों का बहुत करीब. बिल्कुल ये वजह ही है कि आज मैं अर्शी को जानती हूँ और इतनी एक्साइटेड थी इससे मिलने के लिए. विकास ही वजह, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकली थी आई थिंक सबसे पहले मैसेज मैंने इनको किया था. मैंने कहा था हेलो मेरा नाम काव्या पंजाबी है और हाँ, मैं विकास की दोस्त. इंट्रोडक्शन दे रही, मैंने कहा मैं आपको जानती हूँ, आप काव्या जी हैं. तो हाँ विकास डेफिनेटली है. मैंने बात अर्शी से विकास की वजह से की थी लेकिन जो हमारा कनेक्शन है वो हम दोनों की वजह से है ना. इसके अलावा विकास और शिल्पा की शादी के बारे में बात. हेलो आप लोग ऐसी बातें ना ही करें तो अच्छा होगा. ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला है. ये समझ लो कि मैं विकास की घरवाली हूँ. घरवाली मतलब घर वालों की तरफ से कह रही हूँ. ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा कुछ नहीं है. क्या इन लोगों के पास भी ऐसे सवाल रहते हैं ना शादी के बाद? लड़ाई इट्स नेवर गोइंग टू हैपन. थैंक यू सो मच. मेरी शादी के बारे में सोचो यार किसी और से. क्या शिल्पा की शादी के बारे में? शिल्पा नहीं करेगी शादी.